एवरी वन वेलकम टू एंड्रोमेडा क्लासेस टुडे विल बी स्टार्टिंग आवर क्रिस्टल सिस्टम्स तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि हम टोटल में नाइन क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे फर्स्ट वन इज फर्स्ट हेम हेयर आई एम राइटिंग दिस विल बी सिंपल क्यूबिक सेकेंड आपके पास होगा बॉडी सेंटर क्यूबिक थर्ड वल विल बी फेस सेंटर क्यूबिक फोर्थ आपके पास होगा एच सी पी क्रिस्टल फिफ्थ वन विल बी डायमंड ठीक है डायमंड सिक्स्थ वन विल बी एन ए सी सेवंथ आपके पास होगा जिंक सल्फाइड ठीक है एट्थ आपके पास होगा सीशियम क्लोराइड सी और नाइन्थ आपके पास होगा ग्रेफ़िन, ठीक है तो ये आपके पास नाइन क्रिस्टल सिस्टम्स होंगे जिनके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे सो स्टार्टिंग विथ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल अब देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि क्रिस्टल को लैटिस प्लस बेसिस से मिलके बनाया जाता है तो यहां पे देखिए आप कैसे बनाएंगे दिस इज कंस्ट्रक्टेड एज सिंपल क्यूबिक लैटिस सिंपल क्यूबिक लैटिस प्लस वन एटम बेसिस प्लस वन एटम बेसिस इसका मतलब क्या है एक एक लेटेस्ट पॉइंट्स पे जो आपके लेटेस्ट पॉइंट्स होंगे आपने वहाँ पे एक एक एटम को फिल किया है तो यहाँ पे देखिए एक फिगर मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है जहां पे सिंपल क्यूबिक एटम में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे जो क्यूब है आपका उसके कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट रहते हैं नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अब देखिए क्यूबिक क्रिस्टल की बात की जा रही है दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपके पास ए होगा दिस इज योर वाई डिस्टेंस तो ये भी आपके पास ए के इक्वल होगा this is again equal to A, और जो जेड एक्सिसक्वल टू ए डिस्टेंस के इक्वल होगा ठीक है ना वट इज दस्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल तो ये क्या है आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आपको दिख रहे हैं देखे मैंने आपको बताया कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे तो कॉर्नर्स पे अगर एटम्स प्रेजेंट हैं तो इस ये जो कॉर्नर एटम है इस एटम का जो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन है तो है दैट इज इक्वल टू तो इसका मतलब क्या है कि एट क्यूब्स इसको क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो वन अपॉइन एट इसका कंट्रीब्यूशन है एंड हाउ मेनी सच एटम्स आर देयर एट आपके पास ऐसे सच एटम्स हैं सो दिस इज वन अपॉइन एट मल्टीप्लाई बाई एट तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं

अब देखिए जो फर्स्ट नीरेस्ट नेबर या फिर सेकेंड नियरेस्ट नेबर या थर्ड नीरेस्ट नेबर है या आप किसके बेसिस पे फाइंड करते हैं या आप फाइंड करते हैं डिस्टेंस के बेसिस पे ठीक है तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस कॉर्नर एटम को चूज़ करते हैं तो इस कॉर्नर एटम से अगर आप ए डिस्टेंस पे चले जाते हैं ठीक है अगर ये सिमिलर सब आप ए डिस्टेंस में जा रहे हैं मीन्स इसके फ्रंट पे चले जाएँ बैक में चले जाएं टॉप बॉटम और इसके लेफ्ट और राइट right. अगर इन सिक्स साइड्स पे अगर आप चले जाते हैं तो ए डिस्टेंस पे आपको क्या मिलता है ये सिक्स एटम्स आपको मिल रहे हैं तो कॉर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू सिक्स ठीक है ये जो रेड कलर का एटम्स है ये क्या कर रहे हैं ब्लैक कलर एटम ब्लैक कलर के एटम्स के सबसे पास है तो ये इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल है ए के इक्वल है बिकॉज ये एटम आपका यहाँ पे प्रेजेंट है एक एटम आपका यहाँ पे प्रेजेंट है अगर आप टॉप वाले पे चले जाते हैं देन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ए के इक्वल तो वट इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरस्ट नेबर ए के इक्वल है ठीक है नेक्स्ट आपके पास देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है नंबर ऑफ सेकेंड नियरस्ट नेबर अब देखिए फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आपको ए डिस्टेंस पे मिल गया दैट मींस जो सेकेंड नियरेस्ट नेबर होगा वो ए से तो ग्रेटर आपको मिलने वाला है ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये जो पर्पल कलर का एटम है दिस इज योर रिफरेंस एटम ठीक है जो येलो कलर के एटम्स यहाँ पे शो किए गए हैं दिस इज फर्स्ट ये आपके पास सेकेंड यहाँ पे आपके पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स अगर आप इनको ध्यान से देखें दिस इज एट डिस्टेंस ए ये भी आपका ए डिस्टेंस पे ये भी ए डिस्टेंस पे ये भी ए डिस्टेंस पे ये सिक्स पॉइंट वाला भी ए डिस्टेंस पे और ये भी ए डिस्टेंस पे तो ये सारे जो आपके येलो कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं ये आपका क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दे रही हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा सा क्लियर रहे नेक्स्ट आपके पास ए डिस्टेंस से ज़्यादा आपको लेना है तो अगेन देखिए मैंने इस पर्पल वाले को क्या लिया हुआ है रिफ्रेंस एटम की तरह लिया हुआ है अब देखिए ये जो आपका फेस है ठीक है इस फेस में अगर मैं इस तरीके से मूव करती हूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एक एटम नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इस फेस में मूव किया जा रहा है तो सेकेंड वाला थर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा फोर्थ आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेक्स्ट देखिए अगर इस प्लेन में आप मूव करते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से ये एटम्स मिल रहे हैं ठीक है आपको क्या करना है ए डिस्टेंस के बाद ए तो आपकी नॉर्मल साइड के डिस्टेंस थी नेक्स्ट आपको फेस डाइग्नल पे चलना है और फेस डाइग्नल का वैल्यू किसके इक्वल इक्वल होता होता है 2, होता है है के ठीक फेस का किसकेगनल देखिए आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यू कैन फाइंड इट लाइक दिस ये आपके दो एटम्स यहाँ पे हैं और दो एटम्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है आपको फाइंड क्या करना है यू हैव टू फाइंड दिस फेस डाइग्नल तो फेस डाइग्नल को फाइंड करने के लिए दिस इज डिस्टेंस ए और ये आपके पास डिस्टेंस ए है दिस इज योर फेस डाइग्नल डी इज योर फेस डाइग्नल तो फेस डाइग्नल को आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं विच इज डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फ्रॉम हेयर डी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट टू ए का स्क्वायर ठीक है तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू रूट टू ए रूट टू ए तो यहाँ पे देखिए अगर आप पर्पल वाले से रूट टू डिस्टेंस पे अगर मूव करते हैं पहले आपने क्या, क्या इस किया इस प्लेन पे मूव किया नेक्स्ट आपने सारे के सारे जो इस प्लेन पे कर रहे हैं इसमें आपने मूव किया देन आपने इस प्लेन पे मूव किया जो फिर आपके इस तरीके से लाई कर रहे हैं आपने इस प्लेन पे मूव किया तो थ्री अलग अलग प्लेन्स पे जब आप मूव कर रहे हैं तो आपको ऐसे कितने एटम्स मिल रहे हैं देखिए रेड कलर के एटम्स को काउंट करिए दीज आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व तो टोटल आपके पास कितने सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स बन रहे हैं दीज आर ट्वेल्व इन नंबर देखिए अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप क्या करिए एक रिफ्रेंस एटम को एज्यूम करिए और उस कॉर्नर वाले एटम से जितने भी एटम्स आपको रूट टू ए डिस्टेंस में मिलते हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं सेकेंड नीयरेस्ट नेबर्स हैं सो हेयर आई एम राइटिंग डिस्टेंस ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर दिस इज इक्वल टू रूट टू ए ठीक है ये मैंने यहीं पे फाइंड करवा दिया वैसे आपको अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है डी के इक्वल है अभी आपने फाइंड किया दिस इज इक्वल टू रूट टू ए एंड दिस इज फेस डाइग्नल फेस डाइग्नल ठीक है तो ये आपके पास क्या हो गया दिस इज योर सेकंड नियरस्ट नेबर तो देखिए फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आपको कितने डिस्टेंस पे मिला था ए डिस्टेंस पे नाउ सेकेंड नियरेस्ट नेबर आपको रूट टू ए डिस्टेंस पे मिला मीन्स सेकेंड वाला जो नियरेस्ट नेबर है वो इससे क्या होगा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर से बड़ा होगा नेक्स्ट आपके पास क्या है देखें नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर तो अभी आपने बताया कि ए सबसे पहले आपको मिला था ए डिस्टेंस पे देन आपको रूट टू ए डिस्टेंस पे मिला था दैट मीन्स जो थर्ड नियरेस्ट नेबर मिलेगा वो इन दोनों डिस्टेंस से बड़ा आपको मिलेगा ठीक है तो अगेन देखिए आपने इस पर्पल वाले पॉइंट को मीन्स जो क्यूब है उसका एक कॉर्नर आपने ले लिया उस एटम को मैंने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है पर्पल कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है ठीक है इस पर्पल से अभी सबसे पहले आप किसके अलाग चले थे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप साइड के अलोंग चले थे देन सेकंड नियरेस्ट नेबर के लिए आप फेस के अलोंग चले थे अब आप क्या करेंगे थर्ड नियरेस्ट नेबर के लिए आप क्या करेंगे बॉडी डायग्नल के अलोंग चलेंगे तो यहां से देखिए इस पर्पल वाले से अगर आप जो बैकवर्ड वाला जो आपका क्यूब है उसमें अगर बॉडी डायग्नल में मूव करते हैं तो ये आपके पास बॉडी डाइग्नल है फ्रंट वाले बॉडी डाइग्नल की तरफ मूव करेंगे तो ये आपको मिलेगा अगेन देखिए ये बैकवर्ड वाले क्यूब में अगर आप बॉडी डाइग्नल में मूव करते हैं तो ये आपको ग्रीन वाले एटम्स मिल रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से सारे अगर बॉडी डाइग्नल्स पे अगर आप मूव करते हैं मीन्स इस पर्पल वाले एटम से अगर आप सारे रूट थ्री ए डिस्टेंस पे अगर मूव करते हैं रूट थ्री ए डिस्टेंस में दैट मीन्स अलॉन्ग बॉडी डाइग्नल इफ यूल बी मूविंग तो आपको टोटल कितने एटम्स मिलेंगे फोर एटम्स यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल एट एटम्स मिलेंगे ठीक है बिकॉज फोर ऑन वन साइड एंड फोर ऑन वन साइड तो टोटल एट एटम्स आपको मिलेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री ए दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री ए तो सबसे पहले आपने किस डिस्टेंस पे फाइंड किया था ए डिस्टेंस पे आपको मिला था नेक्स्ट आपको रूट टू ए डिस्टेंस पे मिला था और थर्ड नियरेस्ट नेबर आपको किस डिस्टेंस पे मिले रूट थ्री ए तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिफरेंस एटम लिया तो पहले सबसे पहले जो आपको एटम्स मिले वो ए डिस्टेंस पे मिले सेकेंड आपको रूट टू ए डिस्टेंस पे जितने भी एटम्स मिले वो आपने लिख लिए थर्ड आपको रूट थ्री ए डिस्टेंस पे जितने भी एटम्स मिले दीज आर एट इन नंबर ठीक है तो थर्ड नीयरेस्ट नेबर भी आपने फाइंड कर लिया है ठीक है अब यहाँ पे रूट थ्री ए शायद फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं इसका मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ दीज आर एटम्स इन द कॉर्नर या आपके क्या है एटम्स हैं जो आपके कॉर्नर पे रखे गए हैं मैंने आपको बोला कि आपको क्या फाइंड करना है बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर आपको फाइंड करना है तो बॉडी सेंटर देखिए रूट थ्री किस तरीके से आएगा इस वाले कॉर्नर से आपको इस वाले कॉर्नर तक जाना है तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ इस तरीके से एक टाइग्नल बना देती हूँ जो इस बॉडी के सेंटर से जा रहा है अब देखिए इस बॉडी के सेंटर में जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे ये जो कॉर्नर का आइटम है इस कॉर्नर के आइटम से इस कॉर्नर के आइटम पे जाएंगे देन आप इस डिस्टेंस पे मूव करेंगे दैट मीन्स पहले आप इस डिस्टेंस में मूव करें देन इस डिस्टेंस पे मूव करें तो आपको क्या मिल जाएगा इस कॉर्नर आइटम से आप इस बॉडी डाइग्नल आइटम तक पहुंच जाएंगे सो हेयर आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एस ये आपके पास क्या है फेस डाइग्नल जिसकी वैल्यू अभी आपने फाइन की थी दिस इज रूट टू ए दिस इज रूट टू ए और ये डिस्टेंस आपको किसके इक्वल है दिस इज इक्वल टू ए तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है दिस इज इक्वल टू ए नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आपको फाइंड करना है बॉडी डाइग्नल एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इट इज डी डैश वेयर डी डैश इज इक्वल टू बॉडी डाइग्नल बॉडी डाइग्नल ठीक है तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कब मैं फेस डाइग्नल बोल रही हूँ और कब मैं बॉडी डाइग्नल बोल रही हूँ बिकॉज फेस डाइग्नल का वैल्यू किसके इक्वल है रूट टू ए के इक्वल है अब देखते हैं बॉडी डाइग्नल का वैल्यू किसके इक्वल है बायपाइथाकोरस थियोरम डी डैश स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए स्क्वायर तो रूट टू ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं टू ए स्क्वायर नॉ फ्रॉम हेयर डी डैश स्क्वायर दिस इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर तो यहाँ से आप देखें डी डैश दिस इज इक्वल टू रूट थ्री ए तो यहाँ से आपने बॉडी डाइगनल का वैल्यू किसके इक्वल फाइंड कर लिया रूट थ्री ए के इक्वल आपने फाइंड कर लिया ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्या देखें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो यूनिट सेल का वॉल्यूम देखें दिस इज क्यूब तो क्यूब के केस में वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ए क्यूब नेक्स्ट आपके पास क्या है वॉल्यूम ऑफ प्रिमेटिव यूनिट सेल तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमेटिव यूनिट सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं V डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ठीके? और ये किसके इक्वल हो जाता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यूनिट सेल पर एटम ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम अगर आप फाइंड करेंगे तो यहां पे देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल है एक यूब के इक्वल है दिस इज इक्वल टू एक यूब एंड पर एटम आपको बोला गया है तो कितने एटम्स यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है एक वन के इक्वल है सो दिस इज इक्वल टू एक यूब के इक्वल आ जाएगा ठीक है नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड एटॉमिक डेंसिटी और एटॉमिक डेंसिटी किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर ओनली वन एटम इज देयर एंड पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम किसके इक्वल है दिस इज इक्वल टू ए नाउ वट यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड एटोमिक पैकिंग फ्रैक्शन और एटोमिक पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपका जो क्यूब है वो कितना परसेंट फिल्ड है ठीक है तो इसके लिए आप क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इन यूनिट सेल मीन्स यूनिट सेल में जो एटम्स का वॉल्यूम है उसको लेंगे अपॉन आप क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ठीक है अब देखिए मैंने आपको कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप 2D का केस लेके चलेंगे तो आप एटम को एक डिस्क की तरह लेके चलेंगे लेकिन जब आप 3D के, के केस में जो आपके एटम्स होंगे आप उनको सॉलिड स्पेयर्स की तरह लेके चलेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ एटम्स तो सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम तो एक एटम मतलब स्पेयर का वॉल्यूम किसके इक्वल है दिस इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब के इक्वल हैं नाउ हाउ मेनी ऐटम्स आर प्रेजेंट मीन्स टोटल कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में देन द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स दिस इज इक्वल टू वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसकेक्वल है दिस इज इक्वल टू ए क्यूब अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में हमारे पास जो रिलेशन निकल के आ गया दिस इज फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब ठीक है अब देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के केस में जो आपके कॉर्नर के आइटम्स हैं देखिए दिस इज़ वन कॉर्नर आइटम दिस इज सेकंड कॉर्नर आइटम ये आपके पास एक कॉर्नर आइटम ये एक कॉर्नर आइटम है ये ये सारे आपके क्या है कॉर्नर आइटम्स हैं अब देखिए इन कॉर्नर आइटम्स ये क्या कर रहे हैं सारे के सारे कॉर्नर आइटम्स अपने एडजेसेंट जो अपने बगल वाला जो जो भी कॉर्नर आइटम है उससे क्या कर रहा है टच कर रहा है तो यहाँ से आप देखिए ए और आर के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं ये जो कंप्लीट डिस्टेंस आपकी है दिस इज इक्वल टू ए इसको डिफरेंट कलर से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं सो दिस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस आपको पता है किसके इक्वल गिवन है ए के इक्वल गिवन है बिकॉज क्यूब की डायमेंशन आपको किसके इक्वल गिवन है ए के इक्वल गिवन है अब यहां पे देखें इन स्पेयर के कितने रेडियस आपके पास आ जा रहे हैं दो रेडियस आपके पास आ जा रहे हैं तो यहां से आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टू आर के इक्वल है ठीक है इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं कि ए आपका किसके इक्वल है दिस इज डिस्टेंस ए एंड दिस इज इक्वल टू 2r के इक्वल है तो यहां पे आप क्या करिए जो आपका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है आप e की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 2r। सिंपल क्यूबिक के केस में दिस इज 4 अपॉन थ्री पाई आर क्यूब और a e की जगह आपने क्या पुट कर दिया 2r का क्यूब ठीक है तो आप देखिए इसको आप ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करने से वट यू विल बी गेटिंग यू विल बी गेटिंग फिफ्टी टू परसेंट ठीक है इसको आप खुद से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन तो ये आपको किसके इक्वल मिलेगा फिफ्टी टू परसेंट के इक्वल मिलेगा ठीक है नेक्स्ट आपको देखिए ये आपने एटोमिक पैकिंग फ्रैक्शन फाइन कर दिया नेक्स्ट आपके पास क्या देखें एग्जाम्पल है तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल आपके पास क्या है दिस इज पोलोनियम ठीक है? एंड ओनली एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ठीक है ये सिंगल एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का नेक्स्ट हेयर वन एग्जाम्पल मीन एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहां पे, जो आप फाइंड कर सकते हैं यहां पे सी रिटन फाइंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ एन एटम दैट कैन बी प्लेस्ड इन द वाइड बिटवीन एटम्स अलोंग द बॉडी डाइग्नल इन सिंपल क्यूबिक अभी देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो सिंपल क्यूबिक है उसमें जो कॉर्नर एटम्स हैं वो आपस में टच करते हैं लेकिन जो आपके बॉडी डाइग्नल के एटम्स हैं मीन्स कॉर्नर ऐटम्स तो आपस में टच कर रहे हैं लेकिन सिंपल क्यूबिक के, के केस में जो बॉडी डाइग्नल के ऐटम्स हैं मीन्स एक आपके पास ये कॉर्नर ऐटम फ्रॉम हेयर यहाँ से मैं आप लोग को दिखा देती हूँ यहाँ से देखिए ये आपके पास एक कॉर्नर है ये आपके पास क्या है नेक्स्ट कॉर्नर है तो ये जो दो आइटम्स हैं, ये आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो आपको क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों एटम्स के बीच में एक वाइड क्रिएट हो रहा है देखिए यहाँ पे आपको एक स्पेस दिख रहा है तो इन दो एटम्स के बीच में मीन्स बॉडी डाइग सिंपल क्यूबिक के केस में बॉडी डाइग्नल के अलोंग एक व्हाइड क्रिएट होगा व्हाइड क्रिएट होगा दैट मीन्स एक स्पेस क्रिएट होगा जिसमें आप एक किसी एटम को फिट कर सकते हैं तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो जो वाइड क्रिएट हुआ उसमें मैक्सिमम जो आप मैक्सिमम कितने रेडियस का एटम आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं ठीक so है सो हेयर द क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ एन एटम दैट कैन बी प्लेस्ड इन द वाइड बिटवीन एटम्स अलोंग द बॉडी डायग्नल इन सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक के केस में देखिए ये कॉर्नर के एटम्स हैं ये कॉर्नर के एटम्स क्या कर रहे हैं आपस में टच कर रहे हैं फ्रॉम हेयर ए इज इक्वल टू अगेन टू आर लेकिन जो बॉडी डाइगनल के एटम्स हैं वो आपस में टच नहीं करेंगे तो उनके बीच में आप क्या कर सकते हैं एक एटम को रख सकते हैं तो यहाँ पे देखें जो रेड कलर के एटम्स हैं दीज आर योर कॉर्नर एटम्स कॉर्नर ऐटम्स ठीक है ये आपके कॉर्नर एटम्स हैं और ये जो ग्रीन कलर का एटम है ये आपके पास क्या है एटम फिल्ड इन द वर्ड दिस इज योर एटम फिल्ड इन वर्ड फिल्ड इन वॉइड ठीक है अब देखिए यहाँ से आपको क्या बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ एन एटम दैट कैन बी प्लेस्ड इन द वॉइड बिटवीन एटम्स अलोंग द बॉडी डाइग्नल देखिए बॉडी डाइग्नल का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया था विच इज इक्वल टू रूट थ्री ए दैट मीन्स इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का अगर आप डिस्टेंस देखें देन इट इज इक्वल टू रूट थ्री ए अब यहाँ पे देखिए ये रेड वाले का रेडियस किसके इक्वल है आर के इक्वल ये रेड जो अगेन जो कॉर्नर आइटम है इसका रेडियस भी किसके इक्वल है आर के इक्वल अब हम एज्यूम कर लेते हैं बिकॉज हमको ये ग्रीन वाले का रेडियस फाइंड करना है तो हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू टू एक्स ठीक है तो यहाँ से अब आप एक इक्वेशन बना सकते हैं दैट टू आर प्लस टू एक्स दिस इज इक्वल टू रूट थ्री ए के इक्वल है तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं आर प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू रूट थ्री ए अपॉन टू तो यहाँ से एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू रूट थ्री ए अपॉन टू माइनस का आर तो आर की जगह आप क्या ए e की जगह आप, e आप क्या पुट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू टू आर या फिर आप क्या करिए आर इज इक्वल टू ए बाई टू पुट कर दीजिए x इज़ इक्वल टू रूट थ्री अपॉइंट टू ए माइनस आर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा a बाई टू तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखें वन बाई टू आपको यहाँ से कॉमन मिल रहा है a भी आपको कॉमन मिल रहा है देन इट इज़ रूट थ्री माइनस का वन तो कितना रेडियस का फिल कर सकते हैं मैक्सिमम कितना रेडियस है a रूट थ्री माइनस का वन अपॉइंट टू तो ये मैक्सिमम रेडियस है जिसका जितना आइटम आप इस वर्ड में फिल कर सकते हैं ठीक है इससे छोटा भी हो सकता है लेकिन ये मैक्सिमम रेडियस है So that's all for today. If you like my video, then please like, share, and subscribe. Thank you.